गोसे डैम। अभी हम मौजूद है गोसे डैम में, देख सकते कि इससे 8 गेट बंद है, बाकी आधे मीटर से गेट जो है पूरी तरह से चालू है। जिलाधिकारी, कोसी डिपार्टमेंट, आपत्ति विभाग, कृषि विभाग, नगर परिषद, ये सभी के जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया, इसके कारण इस बार नदी में बाढ़ नहीं आया। तो जो सूझबूझ से काम किया गया है, इसके कारण जो भंडारा शहर में बाढ़ आती थी, जागवाटर का पानी आता था, जो गेटों को बराबर नियमित रूप से किस समय खोलना है, किस समय चालू करना है, इसलिए जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर का जो सूझबूझ से रहा, श्री पन्नार पुलिस अधीक्षक लोहित पटारी के बंदोबस्त का, सारी चीजें जो एक जो पूरे डिपार्टमेंट मिलकर करती है, तब आप देखते हैं कि इस तरह का पानी का जो आप देख सकते हैं, गोसी का डैम कितना बड़ा है, काफी बड़े क्षेत्र में आज हमारी टीम, क्राइम एजेंसी की टीम यहाँ पर मौजूद आई है, जिनको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से गोसी का पानी भरा जाता है और कितना जाता है। 0.1 मीटर का पानी का ये फोर्स है, जब ये पानी का लेवल बढ़ता है तो किस तरह से रहता होगा ध्यान देख सकते हैं। हालांकि गोसी डैम के हमको चारों तरफ का नजारा दिखाना चाहिए कि इस तरफ से और ये जो पूरा नजारा जो हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से एक समुद्र जैसा नजारा ये नजर आ रहा है दूसरे डैम में। डैम के दरवाजे जो होते हैं, विद्युत दरवाजे यहाँ पर है पूरे मौजूद, और विद्युत दरवाजे का हम बीच के स्तर में मौजूद है, जहाँ जो पानी का फोर्स आपको बताया जा रहा देखने के लिए यहाँ पर काफी लोग आते हैं, लेकिन बरसात के समय में ये बंद कर दिया जाता है और एंट्री नहीं रहती है, लेकिन इस नज़ारे को आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर परमिशन लेके आए हैं, ताकि आप तक इस तरह का जो इस तरह के दूसरे दूसरे गेट जो खुलते हैं और क्या नज़ारा होता है, इस तरह का दिखाई देता है, एक सुंदर पानी का बहाव देख सकते हैं आप किस तरह से है। इसी प्रकार दूसरे गेट के देखते थे, वहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं वो पार्नर से गेट के पार्ट है और जो हर गेट के पार्ट बने हुए हैं, इस तरह देख सकते हैं कि गम बन अगर रहा गेट का किस तरह से रहता है, हम दूसरे के पूरे आपको अभी आप देख रहे हैं चालू है, बन रहा तो इस तरह से गेट का नजारा होता है। और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से, मैं शमशेद खान क्राइम मीडिया न्यूज के माध्यम से, आपको हर जगह किस तरह से रहता है, क्या होता है, वो तो सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप तक गोसे के गेट जो है वो खोले जाते हैं, बंद करे जाते हैं, किस तरह से पानी का लेवल जो है मेंटेन किया जाता है, ताकि जब पानी नहीं है, जब दुकाले का मौसम होता है तब पानी नहीं है, तो यही पानी जो है हमारे को पूर्ति करता है, यही पानी किसानों को दिया जाता है,
और यही पानी से बिजली निर्माण की जाती है। आपको बता दें कि भंडारा जिला जो है एक कृषि क्षेत्र जिला है, जहां पर बड़े पैमाने पर चावल उगाया जाता है, और इसलिए ये डैम के माध्यम से कैनल बनाए गए हैं, और वो कैनल के माध्यम से जितने भी किसान हैं उन किसानों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ भूसे का काम बाकी है, कुछ कैनलों का काम बाकी है, जिसके कारण भूसे का काम पूरा होने का, जिस दिन भूसे का काम पूरा हो जाएगा उस दिन एक क्षेत्र जो है इस डैम के कारण, जो हम कहते हैं कि हमारी अनाज भंडार जो क्षेत्र है वो एक अनोखा लगेगा, और हर किसानों को बरसात हो ना हो पर पानी जरूर मिलेगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे, हमेशा खबरों के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम हर खबर को कवर करते हैं ताकि आप तक उसकी जानकारी पहुंचते रहे। एक विषय होता है, वो विषय को हम आप तक पहुंचाते हैं, हम अपनी टीम को भी वहां तक लेके जाते हैं ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से यहां पर पानी का नियोजन किया जाता है, रोका जाता है, उसको छोड़ा जाता है, और कब छोड़ना चाहिए, कब उसे बंद करना चाहिए, वहां से कितना क्यूबिक मीटर पानी आ रहा है तो यहां से कितना क्यूबिक मीटर जा रहा है। वैसे भी हम वैनगंगा नदी की जब हम खबरें कवर करते हैं, जब आप देखते हैं कि छोटा पुल जो है जब ये हो जाता है, बंद हो जाता है, छोटा पुल के ऊपर से जब पानी जाता है, तो हम आपको बताते हैं कि इतना क्यूबिक मीटर पानी अपने क्षेत्र में आ रहा है, इतना क्यूबिक मीटर पानी अपने घोसे डैम से जा रहा है। सभी तो सबसे पहले तो हम घोसे डैम ऊपर से जिला अधिकारी योगेश कुंभेजकर और उनके साथ में जितने भी पर्यटन विभाग हो गया, घोसे विभाग हो गया, आपत्ति विभाग हो गया, और अपना तहसील विभाग हो गया, महसूल विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, इन सभी की इसके कारण जो है जो घोसे का पानी का बैकवाटर जो नदी में जो बैकवाटर होके बने कनान नदी का बैकवाटर पानी होके हमारे शहर में घुसता था, तो वो पानी इस बार नहीं आया, जिसके कारण जो हजारों घरों का नुकसान होता था उनके घरों में इस बार नहीं आया। इसीलिए हम उनका खूब खूब धन्यवाद करते हैं, और घोसे डैम के जो भी अधिकारी हैं उनका भी खूब खूब धन्यवाद करते हैं कि हमें ये चीज लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया कि किस तरह से डैम यहां पर, उसी प्रकार आपत्ति विभाग के हमारे अभिषेक नामदार जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें घोसे डैम लोगों तक किस तरह से होता है, किस तरह से नियोजन होता है, ये बताने का मौका दिया। इससे हम बोलेंगे कि घोसे की जो सीमा है वो आप देख के अनंत सीमा, एक समुन्दर का नजारा यहाँ पर नजर आता है, जिसके कारण हम कैमरे के कारण आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो एक है जिसकी सीमा और अंत, हम जब डैम पे खड़े हुए हैं तो ये समझ में नहीं आता कि कितना अंत होगा इसका, और वो आपका प्यारा नजारा है और घोसे का। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे शमशेर खान। हम एक एपिसोड शुरू करने वाले हैं स्पेशल संडे। स्पेशल संडे में हम भंडारा जिला हो गया, गोंदिया जिला हो गया, यहाँ की स्पेशल चीजें जो होती है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। वहां पर घूमेंगे, वहां पर क्या स्पेशल है, क्या जानकारी है, ये दिखाने का कोशिश करेंगे। तो इसी तरह शमशेर खान की खास खबर में स्पेशल संडे में आप जुड़े रहे। स्पेशल संडे में हम आपको इसके बाद कुछ अनोखा नया बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, क्राइम मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान, घोसे डैम भंडारा।